नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि बीकानेर से सामने आई है। बीकानेर में मोबाइल वैन वैक्सीनेशन का शुभारंभ कर दिया गया है। तो वहीं ताजा आंकड़े सामने आए हैं कि मोबाइल वैन वैक्सीनेशन से 45 से अधिक उम्र के लोगों का वैन में ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कलेक्टर की तरफ से ताजा जानकारी साझा की गई, जहां उन्होंने कहा कि हमने भीड़ के इलाकों में वैन वैक्सीन शुरू कर दिया है, जहां 45 से अधिक उम्र के लोगों को आसानी से टीकाकरण किया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बीकानेर से सामने आई है, जहां पर करीब 3 दिनों में 65,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। बता दें, बीकानेर देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां पर घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसी बीच वैन वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम वहां पर किया जा रहा है, जहां पर वैन में ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। और इस दौरान भीड़ के इलाकों में वैन वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है और महज 3 दिनों में 65,000 लोगों को वैक्सीन दी गई है। तो वहीं कलेक्टर ने इस पूरे मामले की जानकारी साझा की और साथ ही बताया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आसानी के साथ टीकाकरण किया जा रहा है। वैन में ही वैक्सीन लगाकर करीब 3 दिनों में 65,000 लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। बता दें, बीकानेर में मोबाइल वैन वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते अब तक 65,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है वैन के अंदर। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर 45 वर्ष से अधिक लोगों को जो उम्र है, जो लोग 45 साल से ऊपर हैं, उन्हें वैन में ही वैक्सीनेशन दिया जा रहा है।